जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आज आपको अपने चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में क्लास 12 कक्षा केमिस्ट्री अध्याय 2 बिलियन है ड्रम्बर प्रभाज के आंकड़े प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हुआ। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है 100 ग्राम H2SO4 के बिलियन में 10 ग्राम जल 100 ग्राम H2SO4 के बिलियन में 10 ग्राम जल मिली है। तो H2SO4 व H2O का द्रव्यमान प्रभाज ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमें पता है कि जो हम द्रव्यमान प्रभाज निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, जल व मिले व विलायक के द्रव्यमानों की संख्या पर, किसके द्रव्यमान की संख्या पर, मिले व विलायक। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रहे हैं 100 ग्राम H2SO4 का बिलियन, अर्थात यहाँ पर H2SO4 का क्या दिया गया है, बिलियन क्या दिया गया है, बिलियन। और बिलियन किसका मिश्रण होता है, विलेय धन, इसका मिश्रण होता है बिलियन, विलेय धन इसी का मिश्रण होता है ना। तो सबसे पहले हमें इसमें विलेय तो दिया गया है 10 ग्राम, लेकिन विलायक नहीं दिया गया, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले विलायक। जब हम विलायक निकाल लेंगे तब हम विलायक प्राप्त करने के बाद फिर हम निकालेंगे इसका द्रव्यमान प्रभाज। विलायक का द्रव्यमान निकालने के बाद क्या निकालेंगे, फिर हम द्रव्यमान प्रभाज। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे क्या दिया है, लिखेंगे तो दिया है लिखेंगे H2SO4 का कितना है, H2SO4 का बिलियन है 100 ग्राम। देख रहा है ना कि दिया गया क्वेश्चन में कि H2SO4 का बिलियन कितना है 100 ग्राम। अब H2O का द्रव्यमान, H2O का तात्पर्य क्या है, जल, तो जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है। अब देख रहे हैं इसे बिलियन दिया है, अब है जो अधिक मात्रा में होता है तो बिलियन होता है या विलायक होता है। अब इसमें स्पष्ट रूप में दिया गया है कि H2SO4 का बिलियन, अर्थात 100 ग्राम किसकी मात्रा है, बिलियन की। अब बिलियन जब 100 ग्राम है तो शक्कर कितने ग्राम है, 10 ग्राम, अधिक मात्रा में होता है बिलियन या विलायक, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया कि क्या है, बिलियन है। तो हम बिलियन में से जब शक्कर अर्थात विलेय को घटा देगी तो क्या प्राप्त हो जाएगा, विलायक। तब विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या होता है, चूंकि विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, बिलियन बराबर होता है विलेय धन विलायक। बिलियन कितने ग्राम है, 100 ग्राम, विलेय की मात्रा कितनी है, 10, विलायक क्या करना है, 11। तो 10 से पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस की 10, तो विलायक की मात्रा, विलायक का द्रव्यमान कितना निकल आया, 90 ग्राम, कितना निकल आया, 90। तो विलायक बराबर क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना निकल आया। अब हमें विलेय का भी द्रव्यमान प्राप्त हो गया और विलायक का भी द्रव्यमान प्राप्त हो गया। अब द्रव्यमान प्रभाज निकालना बिल्कुल सिंपल है। अब होगा क्या, जल उष्ण में क्या कर दें, विलेय का द्रव्यमान प्रभाज। अब जल का द्रव्यमान प्रभाज क्या होगा, जल की मात्रा हो जाएगी ऊपर, अब जल की मात्रा कितनी है, 10, टोटल किसकी मात्रा होगी, विलेय धन विलायक, विलेय क्या है यहाँ पर, जल, जल की मात्रा कितनी है, 10, और विलायक कितना है, 90, तो टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, 10/100। अब इसका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो जल का द्रव्यमान प्रभाज कितना निकला, जल का द्रव्यमान प्रभाज निकला 0.1। किसका द्रव्यमान प्रभाज निकाल दिया हमने आपके सामने, जल का द्रव्यमान प्रभाज, इसका निकाला जल का नहीं, देखो जल की मात्रा कितनी है यहाँ पर, H2O बराबर 10%। किसका निकाला द्रव्यमान प्रभाज, जल का। अब हमें किसका द्रव्यमान प्रभाज करना है, अब निकालना है विलायक का द्रव्यमान प्रभाज,
विलायक का द्रव्यमान और प्रवाह क्या ऊपर हुई, विलायक की संख्या, विलायक की संख्या कितनी है 90, कितनी है विलायक की संख्या 90, टोटल नीचे संख्या होगी विलेय धन विलायक, तो टोटल नीचे संख्या कितनी हो जाएगी 90/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो विलायक की संख्या कितनी आएगी 0.9, तो विलायक का द्रव्यमान 0.9 और जल का द्रव्यमान प्रवाह कितना है 0.1 बन जाएगा ना। विलायक का द्रव्यमान प्रवाह क्या है 0.9, विलेय का द्रव्यमान प्रवाह क्या है 0.1। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल विश्वकर्मा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। जय माता दी साथी।